हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 2021 का जे एडवांस का क्वेश्चन जो डेफिनेट इंटीग्रेशंस पे और फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन और रैशनल फंक्शन। तो ये क्वेश्चन है ना, उस टाइम पे काफ़ी डिफिकल्ट माना गया था और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था, और जिनने अटेम्प्ट किया था उनका भी आंसर रॉन्ग आया था। हालांकि मैंने जब 2021 में इसका सॉल्यूशन बनाया था तो मैंने इसको सॉल्व करके रख दिया था, जो अभी भी मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, वैसे देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज आई 0 से लेकर 10 तक के। अब इसमें देखो, यहाँ पर ये जिप फंक्शन है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसके अंदर में क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, और उसके अंदर में क्या है, ये रैशनल फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखो, आपको मालूम है जिप फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होता है जब वो इंटीजर हो जाता है, और आप डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी निकालते हैं फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ता है, अदरवाइज फिर जहाँ जहाँ वो कंटिन्यूस है उसके लिमिट्स में हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका मतलब हमको ये चेकआउट करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लीजिए कि ये कहाँ कहाँ इंटीजर होगा, करेक्ट, ये बात, ये कहाँ का इंटीजर होगा, मतलब √10x/(x+1) इंटीजर। देखो नेगेटिव तो ये हो नहीं सकता, स्क्वायर रूट है तो हमेशा पॉजिटिव, करेक्ट, या जीरो, ये जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड लाइक दैट। पहला कॉन्सेप्ट कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी है वो कहाँ का इंटीजर हो रहा है, मतलब ये इंटीजर जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर रूट है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। तो यहाँ से अब हमको क्या मिलेगा, 10x/(x+1) स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, या तो 0 या 1 या 4 या 9 या 16 लाइक दैट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अलग अलग केसेस में सॉल्व करेंगे, जो 0, 1, 4 और फिर x निकालेंगे जो 0 और 10 के बीच में आना चाहिए, करेक्ट है। तो ये काम कर लेते हैं। तो पहला वाला केस क्या है, देखो 10x/(x+1) इक्वल टू 0, ये तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, हम तो x 0 और 10 के बीच को देखना है, तो ये केस तो हट जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। एक बात, क्यों, क्योंकि हमको x 0 और 10 के बीच में देखना है, फाइन। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा ये हो जाएगा 10x/(x+1) इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 10x/(x+1), यहाँ से मुझे x=1/9 मिलेगा, करेक्ट है, x=1/9, हाँ ये ठीक है, x=1/9 ओके है। एक तो ये बात, अब हम क्या कर रहे हैं, 10x/(x+1) को ये 0 हो चुका है, 1 हो चुका है, 4 रख रहे हैं, तो ये कर जाएगा 6x, x=कितना आ जाएगा, देखो 4x 6x, तो x=होएगा 4/6, मतलब 2/3, ओके। फिर हम लिख रहे हैं 10x/(x+1) इक्वल टू 9, तो ये x=  कितना आएगा, x=, देखो 9x करेंगे तो x 9 हो जाएगा, x=9 भी ओके है। तो अभी देखो 1/9, 2/3 और 9, ये सब 0 और 10 के बीच में लाई कर रहे हैं, करेक्ट है, और इन में आप देखेंगे कि ये हमने तब सॉल्व किया है जब ये पूरा का पूरा इंटीजर बन रहा है ना, ये इंटीजर बन रहा है कब, जब x 9 है, x 2/3 है, x 1/9 है। अभी नेक्स्ट 10x/(x+1) इक्वल टू, मैं 16 को सॉल्व करूँगा तो x नेगेटिव आ जाएगा, दिस विल गिव्स x नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा, ये मेरे काम का नहीं है। तो 0 से 10 के बीच में मुझे कौन कौन से x मिले, 1/9, 2/3 और 9, जहाँ पर
ये पूरा फंक्शन इंटीजर वैल्यू ले रहा है, तो इसीलिए ये आई क्या हो जाएगा, आई ये हो जाएगा, जीरो से लेके पहला है 1/9, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 1/9 से लेके 2/3, और तीसरा क्या होगा, 2/3 से लेके 9, और लास्ट क्या होगा, 9 से लेके 10। ये तो ब्रेकिंग होगी, मतलब इस पूरे इंटीग्रेशन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को इस प्रकार से हमने ब्रेक किया। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट, वो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये है, क्या है कि ये एक्स इक्वल टू 1/9 पे ये पूरा इंटीजर 1 लेता है ना। तो एक्स 0 और 1/9 की, यहाँ पे ये एक्स अगर 1/9 है तो इंटीग्रल वैल्यू 1 आ रही है, तो 0 और 1/9 के बीच में इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रही होगी, जिसका मेरे को बॉक्स निकालना है। तो फाइनली इसका बॉक्स आ जाएगा 0। इसको देखो, 1/9 पे ये वाला इंटीजर 1 ले रहा है, 2/3 पे ये इंटीजर, ये जो स्क्वायर रूट है वो 2 लेगा, स्क्वायर रूट 2 ले रहा है क्योंकि 10x/(x+1) को हमने 4 से सॉल्व किया है, करेक्ट है। तो ये जो स्क्वायर रूट है वो 2 बन जाएगा, यहाँ 1/9 पे 1, 2/3 पे 2, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में रहा होगा, जिसका बॉक्स 1 आएगा। अब आप ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दीजिए इसको, 0, 1, 2 एंड 3, बिल्कुल वही अप्रोच चलेगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आता है, 182/9 दैट इज इक्वल टू आई, तो 9i=182 आ जाएगा। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन अब सॉल्व करना, सिंपली यहाँ लिमिट लगा देना है, कोई इशू नहीं है, तो बहुत आसानी से कोई भी कर सकता है, करेक्ट है।